गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सबको फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। और फिजिकल एजुकेशन भी तो वैसे प्रायः हम समझते हैं कि मानव शरीर जो है आंगिक विकास के लिए हम शारीरिक शिक्षा की जानकारी लेते हैं, परंतु इसका दृष्टिकोण जो है ये सोच लेना कि शारीरिक शिक्षा की जानकारी एक संकुचित है तो ये अपने में सही नहीं है। इसमें केवल शारीरिक शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि शरीर निर्माण इसको पढ़ना है ना, लेकिन इसमें शारीरिक शिक्षा को शारीरिक निर्माण से ना जोड़कर इसे शरीर व्यक्ति को बालक को एक उत्तम नागरिक बनाना और स्वास्थ्य की उन्नत साधनों को बताना ही शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन का जानकारी देता है। यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ शारीरिक एवं मानसिक शिक्षा दोनों को स्वास्थ्य से जोड़ना है। जैसे शारीरिक शिक्षा में हम शरीर और शिक्षा, इस शरीर के बारे में जानना कि कितनी जरूरी है हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। जब एक आप और हम सब पढ़े हुए हैं, सुने हैं कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे हमें खेलने में, पढ़ने में और सारे बहुत सारे काम करने में हमारा मन नहीं लगेगा, हम कोई भी काम जो है ना वो सही से नहीं कर सकते। तो इसका एक उद्देश्य रखा गया, जो मैं यहाँ पे आपको शारीरिक शिक्षा के कुछ मुख्य उद्देश्य के बारे में बता रही हूँ। जैसे कि यहाँ मुख्य उद्देश्य को मैंने लिया है यहाँ पे स्वयं की प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुए परिवर्तनों की प्रक्रिया है। किसकी? एक व्यक्ति की। ये शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है कि व्यक्ति इसको इस शिक्षा से ये प्राप्त करता है कि वह अपनी स्वयं की प्रतिक्रिया को कैसे वो उसके परिणाम जो है वो सही निकल कर आते हैं, वह स्वस्थ रहता है, एक स्वस्थ व्यक्ति बनता है, एक स्वस्थ नागरिक बनता है और स्वस्थ परिवार में अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, अपने घर के व्यक्तियों को कैसे स्वस्थ रखना है, तो वो इसके परिवर्तन लाता है। दूसरा है व्यक्ति के आंगिक शक्ति का विकास। अब ये जो है व्यक्ति के आंगिक शक्ति का विकास, तो ये व्यक्ति जब तक हम अब उस बारे में जानेंगे नहीं कि ये शारीरिक शिक्षा क्या है, और इसके बारे में जानने के बाद हम उससे ये इसका एम ये इसका ये उद्देश्य कहता है कि हम अपने आंगिक यानी शरीर जो निर्माण हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं और फिर इसको हम क्या करते हैं कि इसकी शक्ति, जैसे किसी चीज को उठाना, हम कभी चीज किसी चीज को उठाते हैं तो हमारे हमें ऐसा लगता है कि हम उस दिन जो है ना हमारे हाथों में दर्द, हमारे पैर में दर्द, हम चलते हैं तो ज्यादा चल नहीं सकते हैं, हम ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते हैं। तो अगर हम इस एजुकेशन का उद्देश्य को लें, तो हम अगर शारीरिक शिक्षा को पढ़ते हैं तो इससे हमें ये एम हमको मिलता है, ये उद्देश्य की प्राप्ति होती है कि हम अपने व्यक्ति, हम या कोई भी व्यक्ति जो अपने आंगिक शक्ति का विकास करता है। यहाँ है तीसरे नंबर पे शारीरिक शिक्षा से संबंधित क्रियाओं में कुशलता। हम किसी प्रकार के कार्य करते हैं, कोई भी इवन कोई वस्तु ढोना, पढ़ाई करना, कहीं आना जाना, रनिंग करना, तो इसमें क्या हम कुशल होना चाहते हैं कि हम कैसे उस चीज को सही तरीका से करें। तो हम ये तो सोच लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा से हमें क्या मिलेगा, क्या उद्देश्य, लेकिन जब हम यहाँ शारीरिक शिक्षा से अपनी कुशलता को, उस चीज को कुशल पूर्वक कर लेते हैं, तो ये जो हमारा शारीरिक शिक्षा का ये भी उद्देश्य है कि हम उस शिक्षा के द्वारा, उसे पढ़ने के बाद, उसको जानने के बाद, हम अपनी हर क्रिया को कुशल पूर्वक करते हैं। यहाँ है चौथे नंबर पे है उपयुक्त सामाजिक आदतों या वृत्तियों का विकास। हमारे अंदर बहुत सी ऐसी आदतें हैं, जैसे हमने देर तक पढ़ा, देर तक सोए, देर तक टीवी देखा, इसके क्या इफेक्ट होते हैं, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये मुझे करना चाहिए, कितना देर करना चाहिए। आजकल जो जैसे मोबाइल चला रहे हैं या फिर कहीं बाहर गए, वहां से आए, आने के बाद थक जाते हैं तो वो काम नहीं कर पाते हैं। तो ये कहता है कि उपयुक्त सामाजिक, हमें कौन से ऐसे उपयुक्त कार्य करने हैं जिससे जो है हमारी आदत, कब ब्रश करना, कब स्नान करना, कब पढ़ाई करना, कौन से काम हमें कब एक सिस्टमेटिक ढंग से करना, वो हमें ये जो है शारीरिक शिक्षा बताता है। तो पांचवे नंबर पे आते हैं खेल तथा
मनोरंजन के लिए प्रेम उत्पन्न करना, खेल जो हम कंसल्ट करते हैं, जिसे हम जोड़ते हैं, खेल जो है एक बच्चों के लिए है, लेकिन ये हमारी धारणा यहाँ से है। जब हम ये शारीरिक शिक्षा को पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं, इसे हम प्राप्त करते हैं कि खेल सबके लिए अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो खेल जो है, जब हम शारीरिक शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ ये देखते हैं कि खेलने से हमारी मनोरंजन तो होती है, लेकिन हमारी शारीरिक जो है, जो निर्माण, हमारा शारीरिक जो निर्माण है, उसमें हमारा पेशीय बल भी लगता है, हमारा जो शरीर का ब्लड सर्कुलेशन जो है, वो जो कार्य जो करता है, वो सिस्टम में करता है, सही ढंग से करता है, और खेल के प्रति हमारा जो है प्रेम, लगाव उत्पन्न होता है। अगला है हमारा छठवें नंबर पे, सकारात्मक मनोवृत्ति का विकास। सकारात्मक पॉजिटिव, हम कोई भी काम करते हैं, कोई इवन पढ़ाई हुआ, इवन कोई गेम हुआ, इवन किसी से मिलना हुआ, तो उस चीज पे हम सही सोचकर एक सकारात्मक सोच से मिलते हैं, और ये हमारा शिक्षा, शारीरिक शिक्षा का ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। थैंक यू।